भविष्य की समस्या का सामना करने वाली माँ के दर्द की कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ तक कि उसे आश्रय का भी आश्वासन नहीं मिला है। निश्चिंत रहे, मैं किसी हिंदी फिल्म के लिए स्क्रिप्ट नहीं लिख रही हूँ। यह हकीकत प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला गजबानी के साथ वर्ष 1947 में घटी थी, जो अविभाजित भारत के सिंध और आसपास के इलाके में रहने वाले सिंधियों, पंजाबियों और हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक लेकिन सबसे परेशानी भरा साल था। श्रीमती निर्मला गजबानी का जन्म 28 दिसंबर 1928 को रोहारी सिंध में केवलानी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी की। जब वह कॉलेज के पहले साल में थी, तब उनकी शादी डॉक्टर हंसनंद गजबानी के साथ तय हुई और इसी कारणवश उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। की स्थापना कर उन्होंने पूरा किया।
उनकी सफलता के गुणों में एक बहुत ही सहयोगी पति, गतिशील व्यक्तित्व, व्यवहार कुशल, विनोदी स्वभाव, पारदर्शी हृदय और सच्ची कड़ी मेहनत शामिल है।